नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर आए हैं आप लोगों के लिए लेकर के ईएमआरएस में जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी आई है, उस ईएमआरएस में टीजीटी की वैकेंसी में जो इंग्लिश का सेशन है, उस इंग्लिश के पार्ट में उसके सिलेबस डिस्कशन और उसके कोर्स एनालिसिस के बारे में जो हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं और जिस कोर्स के बारे में हमने आपको बताना है, उस कोर्स के बारे में हम सारी तरीके से डिटेल्ड चर्चा और क्या क्या आपके सिलेबस में इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ मैं। इसमें बता दूँ मैं आपको कि इसमें टीजीटी के इंग्लिश की जितनी भी आपकी जिस तरीके से आपकी सिलेबस है ना, उन सिलेबस के चर्चा करी जाएंगी और उन सिलेबस पे कौन कौन से आपके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और किस पार्ट्स को लेकर के आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग एक बार कंसिडर करते हुए और उस चीज़ पे आपकी जो चर्चाएँ हैं उन चर्चाओं पे मैं उनकी चर्चाएँ करते हुए चलूँगा मैं। तो सभी लोगों का एक बार देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो ध्यान रखेंगे, अगर ईएमआरएस टीजीटी इंग्लिश की अगर सिलेबस की डिस्कशन की बात करूं मैं, तो इसको चार ग्रुप में बांटा गया है। इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखा है इनमें अपने सिलेबस में इनकी चार कैटेगरीज के बारे में। कैटेगरीज ए है, कैटेगरी बी है और कैटेगरी सी है और कैटेगरी डी के बारे में इन्होंने चार तरीके से सिलेबस को अपना डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस को अपने सारे जो सिलेबस हैं उस सिलेबस को पूरी तरीके से डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। चलिए अगर मैं इनकी बात करूं तो एक कॉमन पेपर है आपका। कॉमन पेपर में आपको पता है कि कॉमन पेपर तो सबके लिए कॉमन है, जिसमें आपके कॉमन पेपर की हम लोगों की जो बैच चल रही है आपको पता है कॉमन पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं आपकी, चाहे इंग्लिश हुआ चाहे आपका उसमें इंग्लिश के साथ साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हुई, उन सारे जो कॉमन पेपर है उसकी तो क्लासेस चल ही रही हैं साथ साथ में। और मैं यहाँ बता दूँ जो इस ग्रुप में जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो इंग्लिश है आपका, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के इंग्लिश के पार्ट में सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है, उन सारे पार्ट्स की हम बात करते हुए चलेंगे। चलिए यहां पर आप देखेंगे टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो टीजीटी इंग्लिश में आपकी जो सिलेबस का ग्रुप ए जो डिवीजन है, इस ग्रुप ए में जो बताया गया है इसमें आपकी जो चर्चाएं करी जाएंगी वो बेसिकली आपकी चर्चाएं करी जाएंगी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपके स्किल्स को लेकर के, यानी आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, उन स्किल्स पे आपकी चर्चाएं होंगी और उन स्किल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियरली मेंशन है यहां पे कि एक आपका जो होगा वो आपका कॉम्प्रिहेंड होगा, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, यानी किसी कोई एक आपको कॉम्प्रिहेंशन एक पूरा पैसेज देगा, उस पैसेज पर आपकी समझ कितनी होगी और उस पैसेज पे समझ के साथ साथ ध्यान रखेंगे उस पर आप एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस पैसेज को और उस एनालिसिस के तरह से उसको इंटरप्रेट कितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ये इस पर पूरा का पूरा बेस्ड पैसेज होगा। इन्होंने पैसेज का एक दायरा भी बना रखा है, पैसेज का दायरा ये बना रखा है कि जो लेंथ होगा पैसेज का ना, देखो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे तीन या चार आपके अनसीन पैसेजेज आएंगे, इन तीन या चार पैसेजेस में आपको जो इनकी वैरी होगी ना, उनके लेंथ जितने होंगे आपके कितने होंगे, 150 या 250 वर्ड्स होंगे। तो ध्यान रखेंगे ये किस तरीके के आपके इससे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे जो आपके एमसीक्यू माध्यम से पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें आपको वोकैबुलरी की भी टेस्ट दी जाएगी, यानी पैसेज पर जो बेस्ड आपके वोकैब के सेक्शन आते हैं, या तो सिनोनिम पूछ दे, एंटोनिम्स पूछ दे, या फिर अगर आप अगर पैसेज में कहीं पर यूज किया गया है इडियम्स एंड फ्रेजेस के, तो उसकी मीनिंग के बारे में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आपकी रीडिंग एबिलिटी को जानेगा। रीडिंग एबिलिटी के साथ जो ग्रुप बी का सेशन है वो सेशन है आपका आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। ध्यान रखेंगे हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे और क्लियरली मेंशन है सेक्शन बी में कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी होगी, उस राइटिंग एबिलिटी कैसी होगी, उस पर चर्चाएं करनी है। तो राइटिंग एबिलिटीज में इन्होंने पॉइंट्स वाइज बना रखे हैं, ध्यान रखेंगे इसमें आपकी टेस्टिंग एबिलिटी होगी, किस चीज की आपकी टेस्टिंग एबिलिटी होगी, क्या एक्सप्रेस करने के लिए आपकी व्यूज या ओपिनियन, कोई एक पॉइंट्स दे दिया जाएगा उस पॉइंट पे आपके व्यूज या ओपिनियंस जिसपे आपके जो आपके कोहेरेंट या लॉजिकल मैनर में होंगे, ध्यान रखेंगे सुटेबल टास्क सेट होगा पूरा का पूरा होगा। फॉर्मेट क्या होगा देख लेंगे, फॉर्मेट ये है आपको बेसिकली किस किस मैनर पे करना है, तो वन शॉट राइटिंग टास्क जैसे आपके एक नोटिस पे या फिर आपके मैसेज पे या फिर आपके पोस्टकार्ड पे, इस पे आपकी राइटिंग स्किल्स चाहिए।
दूसरी चीज मैं बात करूं राइटिंग अ रिपोर्ट एन इवेंट पे, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपके इवेंट पे या किसी प्रोसेस पे या किसी आपका जो प्लेस है कोई स्थान है उस पे इवेंट की, इस इवेंट की राइटिंग स्किल्स आपकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ध्यान रखेंगे राइटिंग आपको आर्टिकल के लिए राइटिंग करना पड़ेगा, डिबेट स्पीच इस तरह के विजुअल या वर्बल इनपुट को आपको देख करके ध्यान रखना, इस तरह के आपके राइटिंग स्किल्स के बारे में भी पूछेंगे। तो बेसिकली ध्यान रखेंगे ये आपकी राइटिंग स्किल की भी टेस्ट लेना चाहते हैं, जो राइटिंग एबिलिटी की टेस्ट होगी उसकी भी आपकी क्लासेस यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसका आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि राइटिंग एबिलिटी आपकी कैसी होगी और राइटिंग एबिलिटी के साथ साथ आपकी किस तरीके की चीजें यहां पर, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए और लिखने के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं लेटर भी लिखने को इन्होंने कहा है, कैसा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के लेटर के बारे में बात किया है। ध्यान रखेंगे आप 12th में जब थे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में 10th और 12th में क्या किया जाता था, 10th और 12th में यह किया जाता था आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए दिया जाता था। उसी की एक अच्छी पहचान चाहिए और उसी के बारे में आपको एक अच्छी तरीके से आपको चीजों की समझ चाहिए, उसी समझ के बारे में यहां बताया जाएगा। ठीक है चलिए यहां पे आपके वर्बल विजुअल इनपुट की बात करें, लेटर टू द एडिटर, किसी एडिटर को लेटर लिखने के लिए या फिर किसी रिक्वेस्ट के लिए किसी को लेटर लिखने के लिए, अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, और ध्यान रखेंगे डिस्क्रिप्टिव या पर्सनल लेटर लिखने के लिए, उन सारे लेटर्स के इन्होंने पॉइंट वाइज पूरी तरीके से क्लियर कर रखा है कि किस तरीके के लेटर के बारे में पूछा जाएगा। तो राइटिंग एबिलिटी के साथ साथ अगर तीसरा सेक्शन बताया जाए तो तीसरा सेक्शन आपका ग्रामर का सेक्शन है, तो तीसरे ग्रामर के सेक्शन में आपको ग्रामर की क्लासेस मिलती रहेंगी और ग्रामर की क्लासेज में आपको पता है कि ग्रामर के हर उन बिंदुओं पे चर्चा करी जाएगी, हर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया जाएगा जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। ध्यान रखेंगे इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, आपका सिंटैक्स का नॉलेज इन्होंने बताया, मतलब आपके नाउन के बारे में एक तरह से पूरी ग्रामर के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो इन्होंने मॉडल दे रखे हैं, टेंसेस दे रखे हैं, क्लियरली मेंशन की बात करें अगर जब तक आप इन सारी चीजों को समझेंगे नहीं, अगर आपको नाउन की अच्छी समझ नहीं है, आपको आपको अगर वर्ब की अच्छी समझ नहीं है तो आप डायरेक्ट मॉडल कैसे लगा सकते हैं और मॉडल के साथ साथ आप टेंस कैसे, मतलब बेसिक सी बात यह है कि कम से कम आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के साथ देखो सब्जेक्ट वर्ब का कॉनकॉर्ड भी इन्होंने दे रखा है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, बिना नाउन के पढ़े हम सब्जेक्ट वर्ब को एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, बिना प्रोनाउन को पढ़े हम सब्जेक्ट वर्ब के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो इन सारे चीजों को कैटेगराइज्ड करके इन सारी चीजों को समझाते हुए ग्रामर को एक अच्छे तरीके से अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे ग्रामर की हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट भी हैं और आपकी क्लासेस काफी चल भी रही हैं, तो उनमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे, यानी ओवरऑल ग्रामर जितनी भी चीजें होंगी उन ग्रामर के बारे में यहां पे चर्चाएं होंगी। ध्यान रखेंगे सिक्वेशिंग फॉर्म में बताना है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्होंने दे रखा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही पड़ेगा, क्लॉजेस इन्होंने दे रखा है, कनेक्टर्स दे रखा है तो क्लॉजेस और कनेक्टर्स के बारे में भी मैं बता दूंगा, पंक्चुएशन दे रखा है पंक्चुएशन होगा, सेंटेंस और पैराग्राफ लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे उन तरीके के क्वेश्चंस को हम लेते हुए चलेंगे, उन तरीके के भी क्वेश्चंस या उन तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस को बताते हुए चलूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट जो इनका ग्रुप डी है, ये ग्रुप डी आपके जो राइटर्स होते हैं लिटरेचर के, उन राइटर्स के वर्क्स के बारे में, उन राइटर्स के जो आपके काम हैं उन्होंने कैसे काम किया, उनके लाइफ में उन्होंने क्या लिखा उनके बारे में बताया गया है, तो उन सारी चीजों पर हम करते हुए चलेंगे, उन सारी चीजों पर बताते हुए चलेंगे। ध्यान रखेंगे यहां आपको वर्क्स याद करने किसके, राइटर्स और हर एक जॉनर के, ध्यान रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के और डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के जो इंग्लिश लिटरेचर में राइटर्स रहे हैं ना या पोएट रहे हैं, उन सारे पोएट्स और राइटर्स के बारे में हमें एक एक करके उन पे एक फोकस करते हुए चलना है और उनको पढ़ते हुए चलना है। ध्यान रखेंगे अगर बात करी जाए तो इन्होंने कैटेगराइज कर लिया है शेक्सपियर वर्क, तो आपको मैं बता दूं शेक्सपियर्स के वर्क जो हैं और शेक्सपियर के साथ साथ आपके जॉन ग्लॉसवर्थी, यानी कि इन तरीके के राइटर्स को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कुछ क्लासेज आपको मिलेंगी और कुछ क्लासेज आपकी लाइव चलेंगी, तो लाइव क्लासेज में भी मैं आऊंगा और लाइव क्लासेज में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन से राइटर्स, उनके लाइफ एंड वर्क, उनके जो वर्क हैं कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उन सारे वर्क्स को हम चर्चा में लेते हुए चलेंगे, उन सारे वर्क्स को हम एक बार अप्लाई करते हुए चलेंगे और एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाने की कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे खासे नंबर आएं,
ध्यान रखेंगे यहां पर अगर बात करी जाए रोमांटिक पीरियड की, तो ध्यान रखेंगे पीवी शेली के बारे में बात किया गया है, वॉर्ड्सवर्थ के बारे में बात करा गया है, कीट्स के बारे में, कॉलरिज के बारे में और आपके बायरन के बारे में बताया गया है। ध्यान रखेंगे रोमांटिक एज के जितने भी आपके होंगे राइटर या पोएट उनके बारे में बात करी जाएगी। ध्यान रखेंगे 19th and 20th century में जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं उनके बारे में भी बात करी जाएगी, जैसे रॉबर्ट फोर्ट हेमिंग्वे के बारे में बताया गया है, टेड ह्यू के बारे में बताया गया है, व्हिटमैन के बारे में बताया गया है और आपके इनके बारे में और आपके डिकिंसन के बारे में और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में भी बताया जाएगा। तो इन सारे राइटर्स के बारे में एक एक चीज के उनके जो लाइफ के सबसे अहम हिस्से रहे हैं और इनके लाइफ के जो वर्क्स रहे हैं उन सारे बिंदुओं पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। यहां देखेंगे, यहां इन्होंने कहा है मॉडर्न इंडियन राइटर, जो आपके मॉडर्न इंडियन राइटर्स जो बहुत ज्यादा फेमस हैं उनके राइटर्स के बारे में भी मैं बताते हुए चलूंगा, उन सारी चीजों को आपको यहां बताई जाएगी बातें। चलिए, जिसमें अनीता देसाई क्लियरली मेंशन है, अनीता देसाई, विक्रम शेठ हैं आपके, यहां बताया जाए आपके कमल के अंदारू वाला है, रस्किन बॉन्ड, इस तरह के जितने भी आपके राइटर हैं उन सारे राइटर, खुशवंत सिंह, इन सारे राइटर के बारे में बताते हुए चलूंगा मैं। सारे मुल्क राज आनंद हैं आपके, आर के नारायणन हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम, इन सारे राइटर्स के बारे में उनके अहम जो उन्होंने अच्छे खासे बुक्स लिख रखे हैं या फिर बुक्स लिखने के बाद उनका क्या योगदान रहा इंग्लिश लिटरेचर में, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में, ध्यान रखेंगे। और ये मॉडर्न इंडियन राइटर्स के बारे में बात करी जाएगी, ध्यान रखेंगे। एक चीज और है कि मॉडर्न राइटिंग्स के बारे में बात करी गई है जो इंग्लिश में है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मॉडर्न इंग्लिश में ध्यान रखेंगे मॉडर्न राइटिंग्स कैसी है, पहले में और अब में क्या अंतर है, इन सारे अंतर्स को हम, डिफरेंस को हम करते हुए चलेंगे। एक चीज और नोट करेंगे, यहां पर आपकी कुछ क्लासेस जो होंगी लिटरेचर की, वो कुछ क्लासेस आपकी लगा दी गई हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ क्लासेस जो आपकी होंगी वो आपके लाइव फॉर्म में होंगी, तो लाइव फॉर्म में और रिकॉर्डेड फॉर्म में दोनों तरीके से क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, आपको ग्रामर की क्लासेस लाइव मिलती रहेंगी। तो उन सारी चीजों को हम एक एक करके हम राइटर्स के बारे में देखते हुए चलेंगे। ध्यान रखेंगे परीक्षा प्लस की टीम की तरफ से, आपको पता है कि हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है, उस कोर्स के बारे में मैं अगर आपसे बताऊं तो उस कोर्स में जो EMRS TGT के लिए कोर्स है वो EMRS TGT का कोर्स आपका 899 प्लस GST आपको मिलेगा, कुल टोटल आपका मैं बताऊं तो 1061 रुपए होता है। इसके आप जा करके परीक्षा प्लस ऐप पे जाएं और परीक्षा प्लस ऐप पे जाने के बाद वहां पर आप परीक्षा प्लस में जो आपको EMRS TGT का एक पर्टिकुलर कोर्स दिख रहा होगा उस पर्टिकुलर कोर्स पे क्लिक करके आप वहां से बाय नाउ कर सकते हैं। और इस सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो ये आपके ऑफर प्राइस का अवेल कर सकते हैं आप, बहुत ही कम प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से क्लासेस को और भी लोगों से शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।